सॉलिबिलिटी ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या हम सॉलिबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो आंसर इज नो. क्योंकि मैंने लास्ट क्लास समझाया था कि सॉलिबिलिटी ऑर्डर सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर. ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर थे कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. सॉल्युबल तब होगा जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और इनसॉल्युबल तब होगा जब ये पॉजिटिव होगी. ठीक है, अब ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? तीनों, एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर किस पे सॉल्युबल करवा रहे हैं अपन, और एंट्रोपी चेंज. तो किसी भी सॉल्ट को देखकर अपन सॉल्युबिलिटी ऑर्डर नहीं निकाल सकते, बट हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं. तो मैं बता रहा हूं कि हमारे पास तरीका ये नहीं कि हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकाल लें. हम ये कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन बाई टू वेज, बाई टू मेथड्स. एक बार अगर मुझे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर याद है तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दो तरीके से कर सकता हूं. ज्यादा करके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि मोर इज द रेडियस डिफरेंस, मोर इज द रेडियस डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. अब मैं इस सेंटेंस में एक वर्ड लगा देता हूं जनरली. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक्सेप्शन होंगे. कुछ ऑर्डर तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि एनायन और कैटायन में साइज ज्यादा होगा. जैसे फॉर द एग्जांपल, मान लो मैं कैटायन ये बनाता हूं और एनायन ये बनाता हूं. सपोज मैंने यहां कैटायन बनाया और ये एनायन बनाया, तो जितना ज्यादा रेडियस डिफरेंस होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होने के चांसेस हैं. कंफर्म नहीं है, चांसेस ज्यादा ये है कि ज्यादा रेडियस डिफरेंस होगा तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी. और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल. फजान्स रूल डिटेल में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. वो ये बोलता है कि अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, तो ये बोलेगा कि कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस. और कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस तो ये बोलता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. अब ऐसा होता है कि दोनों फैक्टर कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन का काम करते हैं. यानी आप ये समझ लो कि कुछ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर तो ये निकालता है और कुछ ये निकालता है, मतलब कुछ ये एक्सप्लेन करता है कुछ ये एक्सप्लेन करता है. तो अगर मान लो बच्चा इसको टूल मान के करेगा तो जो एक्सेप्शन है अगर उसने याद नहीं किए हुए तो गलत आंसर आएगा उसका. इसके एक्सेप्शन भी है, ठीक है ना. तो एक चीज दिमाग में बिठा लें अपन कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालना नहीं सीखेंगे हम, हम केवल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. तो जो ऑर्डर मैं लिखने जा रहा हूं वो ऑर्डर आपको याद करने है, ठीक है ना. अब देखिए ये जितने सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हैं, सबसे पहले तो हमें इनको याद करना है, ठीक है. हम इनको निकालना नहीं सीख रहे हैं, अगर ये याद है तो इनका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है. लेकिन ये सारे एग्जांपल कौन से वाले हैं, इस वाले रूल के, कि मोर इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ आयंस मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. जैसे अगर मैं देखूं यहां पर, सबसे पहला देख रहा हूं लिथियम, तो लिथियम प्लस साइज में छोटा होगा और ClO4 बहुत सारे आयंस एक साथ है तो ये बड़ा होगा. अब अगर मैं लिथियम से जा रहा हूं सीजियम की तरफ तो साइज का ऑर्डर क्या है, लिथियम प्लस लेस देन एन ए प्लस लेस देन के प्लस आर बी प्लस और सी एस प्लस. लिथियम प्लस छोटा है सीएलओ फोर माइनस बड़ा है. मैं सी एस पे आ गया तो सी एस प्लस बड़ा है और सीएलओ फोर माइनस भी बड़ा है. अब आप देखो यहां रेडियस डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेडियस डिफरेंस उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी. तो ये सबसे ज्यादा है इस केस में. नीचे आ जाते हैं अपन लिथियम नाइट्रेट, लिथियम छोटा और नाइट्रेट बड़ा. और जब मैं इधर जाऊंगा तो सीएस भी बड़ा नाइट्रेट भी बड़ा, तो साइज डिफरेंस यहां ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा. नीचे आ जाते हैं एनए प्लस छोटा आई माइनस बड़ा, जबकि इधर आ जाऊं मैं
तो सी एस प्लस भी बढ़ा और आई माइनस भी बढ़ा, तो रेडियस डिफरेंस यहां ज्यादा, सोलिबिलिटी यहां ज्यादा। सिमिलरली लिथियम छोटा, ब्रोमीन बढ़ा, ठीक है, और सीजियम बढ़ा, ब्रोमीन बढ़ा, तो रेडियस डिफरेंस यहां ज्यादा है। सिमिलरली यहां जाते हैं, बेरिलियम छोटा और सल्फेट बढ़ा, पांच एटम एक साथ है, और इधर आ जाऊं तो बेरियम बढ़ा, सल्फेट भी बढ़ा, तो रेडियस डिफरेंस यहां ज्यादा, सोलिबिलिटी ज्यादा। इधर आ जाते हैं, बेरिलियम छोटा, कार्बोनेट बढ़ा, ठीक, जबकि बेरियम बढ़ा, कार्बोनेट भी बढ़ा। इधर आ जाए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में, तो ऑक्सीजन छोटा एटम मानते हैं, हाइड्रोजन छोटा, तो ये ग्रुप छोटा मानेंगे हम, तो बेरिलियम छोटा, ओएच भी छोटा, जबकि इधर आ जाऊं मैं तो बेरिलियम बड़ा, ओएच छोटा, तो रेडियस डिफरेंस कहां ज्यादा होगा, बेरिलियम, और सोलिबिलिटी इसी की ज्यादा दे रखी है मैंने। नीचे आ जाते हैं, लिथियम फ्लोराइड में, लिथियम छोटा, फ्लोरीन छोटा, इधर आ जाऊं मैं तो सीजियम बड़ा, फ्लोरीन छोटा, तो इनमें रेडियस डिफरेंस ज्यादा है तो सोलिबिलिटी सब ज्यादा इसकी। और नीचे आ जाए इसमें एल आई ओ एच में, ओएच छोटा, लिथियम छोटा, रेडियस डिफरेंस कम, सी एस बड़ा, ओएच छोटा, तो रेडियस डिफरेंस ज्यादा, सोलिबिलिटी इसी की ज्यादा है। फिर फ्लोराइड वाले केस में बेरिलियम बड़ा, फ्लोरीन छोटा, यहां पे मैग्नीशियम छोटा, फ्लोरीन छोटा, साइज का ऑर्डर पता है ना, ये बेरिलियम से जाएंगे तो बेरियम तक बढ़ता जाएगा साइज। इसी तरीके से नाइट्रेट में भी वही ऑर्डर है कि नाइट्रेट बड़ा, बेरिलियम छोटा, ठीक है, बेरियम बड़ा, नाइट्रेट बड़ा, तो रेडियस डिफरेंस कम, रेडियस। तो ये जितने भी ऑर्डर है ये हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं, साइज के बेसिस पे। और साइज के बेसिस पे ये है कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। बट दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रेडियस डिफरेंस देखकर हर एक सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालू, क्योंकि इसके एक्सेप्शन भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे ऑर्डर हम इससे निकाल लेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन में जैसे मैं लिख रहा हूं कि प्रैक्टिकली एजीएफ की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एजीसीएल से, ये ज्यादा होता है एजीबीआर से, और ये ज्यादा होता है एजीआई से, ये ऑर्डर तो हम याद कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पानी में सोल्यूबल होता है एजीएफ, और ये तीनों जो सॉल्ट है दे आर इनसोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर। अगर सपोज करो मैं इसको रेडियस डिफरेंस से सोचता, तो Ag प्लस छोटा होता है, F माइनस भी छोटा होगा, और यहां देखूं मैं तो Ag प्लस छोटा और I माइनस बड़ा। अगर मैं रेडियस डिफरेंस से सोचता तो ज्यादा रेडियस डिफरेंस यहां है, ये मैक्सिमम आना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन मिनिमम है AgF। तो सॉल्युबिलिटी ऐसी चीज नहीं है जो थ्योरेटिकल चीज है, सॉल्युबिलिटी पानी में घोल कर मालूम की जा सकती है कितने मोल घुल रहे हैं एक लीटर में। तो प्रैक्टिकली ऑर्डर इज रिवर्स, इसका मतलब मैं कहूंगा कि इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई रेडियस डिफरेंस। तो फिर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाई फजान रूल, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो फजान रूल के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालना नहीं सीख रहे हैं, हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को याद कर रहे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन सीख रहे हैं कि ये किससे एक्सप्लेन होगा और ये किससे एक्सप्लेन होगा। तो अगर मान लो सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्सेप्शन हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन ही एक ही है, ढेरों एक्सेप्शन है, तो इसके भी हजारों एग्जाम्पल है, इसके भी सैकड़ों एग्जाम्पल है। तो हम ऐसा तो है नहीं कि दुनिया के सारे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर याद कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, तो इसलिए हम जब तक कि हमें करेक्ट ऑर्डर याद नहीं है हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ऑर्डर याद है, और मोस्टली इंपॉर्टेंट कौन से हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, जो कि मैंने यहां लिख दिया, ठीक ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, इनको याद करेंगे अपन। और